हे गाइस वेलकम टू जेम डेटा टेक्निक। फाइनल रिक्वेस्ट रिसीव हो चुका है दोस्तों, अरुमा की तरफ से आना है, अरुमा का बड़ा भाई। जी हां दोस्तों, बड़ा भाई इसलिए दोस्तों क्योंकि हम लोग ने जो निक बैंड पहले मंगाया था वो था 500 के नीचे का, और ये जो है 500 का ऊपर था दोस्तों, और ये थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी का दिखता है दोस्तों, मैंने चेक किया है दोस्तों। एंड फटाफट इसको हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग एंड देंगे जो रिव्यू दोस्तों, कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आज की वीडियो में पता चल जाएगा दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों। एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में आपने लाइक ढेर सारा किया, सब्सक्राइब किए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेट मिला मैं एक और वीडियो आपके लिए ला सका। इसी तरह दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रहिए कि हम लोग आगे बढ़ सके, और सब सपोर्ट आपका ही हो दोस्तों। फटाफट करते हैं आज का फ्रेश अनबॉक्सिंग। एंड दोस्तों हमारे चैनल पर नया आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट कहते हैं आज का फ्रेश वीडियो दोस्तों। ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से और फाइनली मुझे रिसीव हो चुका है, तो चलिए मैं देखता हूँ इसका अनबॉक्सिंग क्या क्या मिलता है इसके अंदर दोस्तों। और इसको रखते हैं डिब्बे को हम लोग साइड में, क्योंकि इसका हम लोग कोई काम नहीं है। ये बिल है फ्लिपकार्ट का, जी हाँ ये 469 आपको MRP यहाँ दिख रही होगी। तो और दोस्तों बॉक्स हम लोग बता, जो हम लोग ने पहले बॉक्स मंगाया था सेम टू सेम उसी तरह है, और बॉक्स में सिर्फ आपको मॉडर्न बल्ब देख सकते टाइटेनियम है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए सेम टू सेम सारे चीज़ वही लिखे पड़े हैं, कोई नया नहीं है इसमें दोस्तों। ब्लूटूथ का सपोर्ट आपको मिलता है 5 पॉइंट का, जो पहले वाले में भी था। इनबिल्ट माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन की इसकी क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आपको बात करना है। मैग्नेटिक है, चलिए चेक कर लिया जाएगा दोस्तों। लाइट वेट, चलिए तो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, हम लोग चेक करते हैं प्रैक्टिकल दोस्तों। इसके MRP आप देख सकते होंगे 4299 की डाली है, और जो कि 649 की मुझे पड़ी है, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। चलिए इसको खोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये भी इसके अंदर कुछ डिब्बा खाली है, मतलब आपको जो है यही है। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग को केबल भी आपको नहीं मिलता है, चार्ज करने के लिए आपको अपना ही केबल यूज़ करना होगा। चलिए इसको भी हम लोग रखते साइड में, बात करते हैं इसके बारे में। तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है, क्योंकि ग्लोसिस ने मार दिया है, और पहले वाले से मैं आपको बता दूं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वायर की क्वालिटी की हम लोग बात करते हैं तो पहले वाले से थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी, ज़्यादा मैं अच्छा नहीं बोल रहा, पर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाता है, एक ग्लोसी है। चलिए चेक किया जाए, 3 बटन आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों। हम लोग इसकी डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों पहले वाले से मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, यूनिक लग रही है डिज़ाइन, और काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। इसको आपके ओपिनियन क्या नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए तो हम लोग बात करते हैं उसको कुछ फ्यूचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले फ्यूचर की हम लोग बात करें ब्लूटूथ 5 पॉइंट, जिसकी सपोर्ट मैं आपको बोलूँगा काफ़ी अच्छा है दोस्तों। कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, 10 मीटर डिक्टेशन दिया है और वो ठीक है दोस्तों, उसमें काफ़ी वर्क करता है दोस्तों। और सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं बेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेस इसमें एक एवरेज क्वालिटी मिलता है, कोई ज़्यादा अच्छा बेस आपको नहीं मिलने वाला। हाँ इसमें आपको ट्रेबल बूस्ट ज़्यादा दिया गया दोस्तों। और सेकेंड चीज हम लोग बात करते हैं इनबिल्ट माइक्रोफोन, अगर आप किसी से बात करते काफ़ी देरी तक तो कोई दिक्कत नहीं आता, नॉइस की भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। स्पोर्ट ईयरफोन मतलब आप कान में लगाएंगे और रनिंग भी आप करेंगे तो ये ईयरफोन आपसे कान से नहीं निकलने वाला। तो सेकंड मैग्नेटिक, ये दोस्तों मैग्नेटिक जो पहले वाले में वर्क नहीं करता था वो इसमें वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं सिंपल, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा डिज़ाइन की तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। सेकंड चीज़ हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक हो गया दोस्तों। बैटरी के बारे में, बैटरी जो है दोस्तों अप्रॉक्स इन्होंने लिखा है 40 आवर के आसपास, पर इतना नहीं चलता दोस्तों, ये 20 आवर के आसपास ये चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। लाइट वेट है दोस्तों, जी हाँ लाइट वेट है, कम्फर्ट एयरबड है, इन्होंने एक्स्ट्रा ईयरबड नहीं दिया कि अपने कान के हिसाब से सेट कर सकें, एक ही ईयरबड इसमें आपको काम चलाना होगा। कनेक्टिविटी का दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस कुछ है 649 में मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा डील है। एंड दोस्तों जैसे कि आप 479 के मैंने जो आपको बताया था अनबॉक्सिंग किया था उससे कुछ इम्प्रूवमेंट है, अगर बेस क्वालिटी मतलब क्वालिटी का साउंड क्वालिटी की मैं बात करता हूँ तो उससे काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो उससे काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, और बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा वो आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये लुकिंग में आपको थोड़ा सा प्रीमियम दे देता है बस दोस्तों, आपको कुछ नहीं रहेगा, लुकिंग में थोड़ा सा प्रीमियम आपको दी जाएगा, वायर क्वालिटी अच्छी है और साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी उससे मिल जाती है, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, क्या आप इसको परचेस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, कौन सा फ्यूचर आपको इसके बारे में अच्छा लगता है, कौन सा फ्यूचर नहीं अच्छा लगा, क्या ये पहले वाले से अच्छा क्या नहीं है, ये भी कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने भाई के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।